Hello. तो कुछ दिन पहले प्रियंका आई, लखनऊ जाना है, मीटिंग करनी है। मैंने बहन से कहा लखनऊ जाने से पहले और घर में अपने परिवार से पहले बात करना चाहता हूं। आप आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपने 2004 में मैं राजनीति में आया और पहला इलेक्शन, पहला चुनाव मैं यहां लड़ा था और आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आपसे मैं बहुत सीखा हूं, काम करना सीखा और एक प्रकार से आपने मुझे नैतिक रास्ता दिखाया और आप मेरे साथ इस रास्ते पे हमेशा, तो इसका आपको मैं देना चाहता हूं। आज की हालत आपको दिख रही है, देश के सामने दो सबसे बड़े सवाल हैं, बेरोजगारी एक तरफ, बेरोजगारी दूसरी तरफ महंगाई, ये दो सबसे बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ना चीफ मिनिस्टर देते हैं ना प्रधानमंत्री देते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान कर रहे थे, अकेले गंगा में स्नान कर रहे थे, मगर प्रधानमंत्री देश को यह नहीं कह सकते हैं कि इस देश में रोजगार क्यों नहीं पैदा होता। नरेंद्र मोदी के 2-3 पूंजीपति मित्रों के हवाले उन्होंने कर दिए। नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानून लाए। नरेंद्र मोदी जी ने पहले कहा कि ये जो 3 कानून है ये किसानों के लिए बनाए गए हैं, ये किसानों के हित के लिए कानून बनाए गए, बोला उन्होंने, बोला। 1 साल हो गया, हिंदुस्तान के सारे किसान एक साथ खड़े हुए, हर स्टेट में धरना की। 1 साल बाद प्रधानमंत्री कहते हैं मैं माफी मांगता हूं, मेरे से गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई। गलती होने के बाद हमने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, 700 किसान शहीद हुए, उनको आपने कॉम्पेंसेशन दिया, उनकी आपने मदद की, पार्लियामेंट में जवाब मिलता है कोई किसान शहीद नहीं हुए, एक भी किसान नहीं मरा, हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। पंजाब की सरकार ने 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है। मैंने वो लिस्ट पार्लियामेंट में रखी और कहा कि देखिए ये 400 किसान शहीद हुए, इनकी आप मदद कीजिए, मगर वही व्यक्ति जिसने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, उसी व्यक्ति ने 400 किसानों की, 700 किसानों की कोई भी मदद नहीं की। अब ये जो कानून आए हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे ये 3 कानून हो, ये किसके लिए काम किया जा रहा है? क्या छोटे दुकानदारों को, किसानों को इसका फायदा मिला? नोटबंदी का किसी को यहां फायदा मिला? कोई एक है? जीएसटी
दुकानदार भाई खड़े, जीएसटी का फायदा मिला आपको? नोटबंदी का फायदा मिला? भाइयों बहनों, नोटबंदी, जीएसटी, किसान के विरुद्ध जो कानून है, इनका एक ही लक्ष्य है, हम दो हमारे दो। और होता है अपने डर नफरत में हिंसा में कभी नहीं बदलने देता है। हिंदुत्ववादी जो होता है वो सिर्फ झूठ की राजनीति करता है, उसको सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं। उसका काम सिर्फ झूठ का प्रयोग करना, और झूठ के प्रयोग का प्रयोग करने से जनता से सत्ता छीनने का होता है। गांधी जी ने कहा था हिंदू का रास्ता सत्याग्रह, हिंदू का रास्ता सत्याग्रह, हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्ताग्रह। एक सच्चाई पे चलता है, एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उसका नाम हिंदू, और दूसरा झूठ के रास्ते पे चलता है, हिंसा फैलाता है, नफरत फैलाता है, उसका नाम हिंदुत्ववादी। और हिंदुस्तान में आज लड़ाई हिंदू और हिंदुस्तानी हिंदू हिंदुत्ववादी के बीच में हो रही। एक तरफ हिंदू खड़े हैं जो सच्चाई की बात करते हैं, जो नफरत नहीं फैलाते हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी खड़े हैं जो नफरत फैलाते हैं और सत्ता को छीनने के लिए कुछ भी कर सकते। यह सच्चाई यात्रा करने आया हूं आपके साथ। अब हम चलेंगे, मैं आपके साथ आज प्रियंका के साथ आपके साथ एक साथ चलेंगे पद यात्रा करने आया हूं आपके साथ। अब हम चलेंगे एक साथ चलेंगे और फिर से आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
आदमी